गाइस आई थिंक होमवर्क क्वेश्चन नंबर 10 से था, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10 का कोई भी सब पार्ट किसी को इश्यूज है वो इजियर था, स्पेशली आफ्टर डूइंग 9th। बट देखो, अगर आपने ऐसा किया है कि 9th को देखते देखते 10th को सॉल्व किया है कि 9th में ऐसा है तो 10th में ऐसा कर लेंगे, तो एग्जाम में 9th दिया हुआ नहीं रहेगा जब 10th क्वेश्चन पूछेगा, तो अपनी समझ से करना। हाँ हाँ अगर कुछ नहीं आता तो तेरा एक्स रियल नंबर को बिलोंग करता है हमेशा। सेकेंड में नेशनल नंबर कहाँ है ना, सेकेंड सब पार्ट में अगर बोला जाए नेशनल नंबर से, तो अगर मान ले सेकेंड और फिफ्थ के इस, अगर ये नेशनल नंबर्स बोला जाता था तो यू कुड नॉट हैव रिटन इट दिस वे, तो इंटरवल ऐसा नहीं बना होता बच्चा। क्योंकि देख, ये इंटरवल का मतलब ही क्या है तेरे लिए, 2 से लेके 7 में ये, तो यहाँ पे जितने भी बीच में आ रहे हैं, बीच के रैशनल इरेशनल सब आ रहे हैं बच्चा, तो दे कुड नॉट हैव सेड इट एज नेचुरल नंबर्स। उनको देना ही होता तो फिर दे वुड हैव रिटन दिस वन एज 3, 4, 5, 6, समझा? क्वेश्चन नंबर 11, एनी वन? सॉरी सॉरी, क्या लिख ले? वैसे कुछ नहीं रहे तो अपने मान के चलते कि एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर है, बट क्योंकि उसने 9th में इतना स्पेसिफिकली हर जगह लिखा हुआ है तो बेटर तू भी लिख ले बच्चा, ठीक है ना? यस, 11th क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है ना कृति? ये सिंबल यूनिवर्सल सेट का होता है। क्या होता है यूनिवर्सल सेट अभी देखेंगे अपन लोग थोड़ा सा आपस से। तेरा पहला ये ए सेट है बेटा, तेरा ये बी सेट है, ये सी सेट है, ठीक है? अपन ए बी और सी की वैल्यू लिखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर एन की वैल्यू 1 हो गई, देख एन सॉरी एन होल नंबर है सॉरी, तो एन की वैल्यू अगर तेरी 0 हो गई तो एक्स की वैल्यू 0, एन की वैल्यू 1, तो ये ऐसा कर करके अपन पूरे लिख ही लेते, चल ठीक है? 30, 36, 42, 48, ठीक है? बी वाले में भी वैसे ही है, तो देख ले 0, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, ये है फैक्टर्स ऑफ W, ठीक है? फैक्टर्स ऑफ 72 सॉरी, तो 1 1 है तो 72 रहेगा, 2 है तो 36, 3 है तो 24, 4 है तो 18, 5 से नहीं 6 है तो 12, 7 से नहीं 8 है तो 9, ठीक है? अच्छा अब अपने को क्या क्या बोला गया है, सबको रोस्टर फॉर्मेट में लिखना था वो तो अपन लिख ही दिए। नेक्स्ट है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच सेट, तो तू काउंट करके लिख सकता है। मैं तो को 1 मिनट दे रहा हूँ खुद से करने के लिए, भी है कर ले सॉल्व। क्या हो गया सुरजन, क्या खुश क्यों बैठा है आज? हाँ रहना करना अपना। भाई ये संडे की टेस्ट सबके लिए कंपलसरी रहेगी। अबे अभी तो बड़ा डिस्कशन हुआ था यार, अच्छा ये नहीं था क्या? ये संडे रख लेते हैं, नेक्स्ट संडे नहीं रखेंगे क्योंकि तुम लोगों का सोना रहता है, विच आई कैन अंडरस्टैंड। तो अपन लोग मिड वीक रख लेंगे कभी तो, या फ्राइडे को रख लेंगे अपने ट्यूशन के दौरान। अब क्या है, मैं कल इसलिए नहीं रख सकता हूँ क्योंकि कल मेरी 9th की टेस्ट है और 9th की टेस्ट मेरी 6 to 7 वाली है, और वैसे मैं कोशिश करके सैटरडे संडे को तुमको फ्री। नहीं नहीं बेटा, आई हैव टू टीच, क्योंकि अपन लोग पीछे चल रहे हैं। मेरे को एक बार तुम्हारे पोर्शन तक के अगर आ जाएगा तो मैं थोड़ा सा, अच्छा नहीं नहीं इन लोगों का रे 4 से हो रही है, ओके। नहीं देख, सेंटर पॉइंट का, सेंटर पॉइंट वाले रश कर रहे हैं तो BVM वालों को और ज़्यादा करना पड़ेगा, बिकॉज यू गाइज आर ऑलरेडी एटलीस्ट 2 चैप्टर्स बिहाइंड, एटलीस्ट 2 चैप्टर्स बिहाइंड फ्रॉम सेंटर पॉइंट। तो प्रिटी पॉसिबल BVM वाले रश करें, प्लस CBSE ने जो पोर्शन दिया है उसमें इतना क्रेजी कटिंग चॉपिंग नहीं हुआ है, तो दे विल हैव टू रश, क्योंकि उनको देना ही पड़ेगा बेटा अक्टूबर के आसपास में तुम्हारी एग्जाम्स, नहीं तो कर ही नहीं पाएगा लोग, कहते हैं मार्च में आपस एग्जाम इसके लिए। हाँ सॉरी, क्यों तो आके देना मेरे को बताना। नहीं वो नहीं है, वो नहीं, वो कर लेना, बट बच्चे भी लोग देंगे, स्पेशली पार्थ सूरजन बेबी। मैं झापड़ मारूंगा, मैं झापड़ मारूंगा तेरे को, ठीक है ना? सुकृत बचे पूरा ग्रुप, केशव तू ये वाले चैप्टर की देगा,
उसमें सिर्फ, ठीक है ना, टेस्ट टेस्ट। चलिए सेट बिल्डर वो जितना हुआ है अभी तक क्या उतना, ये भी यस यस यस, ये तो ज़्यादा ईजियर है तुम्हारे लिए, यस यस। अब उसमें की चीज़ें और कम हो जाएगी तुम्हारे लिए, बता दूंगा। चलिए हाँ, तो तुम्हारी और किसी है तुम लोग भरी बाद में तो मैं चल जाएगा, बट दो प्लीज पेपर। हाँ देख, अब एक 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 और ये सुनो 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 गाइस, पार्थ मयंक सुन लो बेटा, मैं तुमको एक और बता रहा हूँ। यू आर नाउ वे पास्ट वो बचकानी हरकतें टेंथ की, वो चीटिंग करके ट्यूशन का टेस्ट पेपर दे दिए। देखो तुम्हारे मार्क्स नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारे मार्क्स अब तुम्हारे पेरेंट्स तक के जाते भी नहीं है, तुम्हारे ग्रुप्स में तुम्हारे पेरेंट्स को ऐड भी नहीं किया गया है, क्योंकि मुझे पता है अब तुम्हारे पेरेंट्स को इस एज में तुम्हारे आने के बाद मैं पेरेंट्स को ऐड करूँगा ना, तो तुम लोग फिजिटी हो जाओगे, इसलिए नहीं किया। नहीं तो हमारे टेंथ स्टैंडर्ड में तुम्हारे पेरेंट्स भी एडेड रहते थे। अभी ऐसा नहीं होता है कि अगर मान लो क्रिश छुट्टी मार रहा है या नहीं आया, तो मैं क्रिश के पेरेंट्स को कॉल कर रहा हूँ कि आपका बेटा नहीं आया। अब देखो मेरा ही नहीं, तुम कोई भी ट्यूशन में देखोगे ना, नाउ दे विल स्टॉप कम्युनिकेटिंग विद योर पेरेंट्स, अनलेस तुमने कुछ तो भी कांड कर दिया अलग ही वाला, तुमने कुछ तोड़ फोड़ दिया, और मेरे को पता है क्रिश से थोड़ी पैसा ले सकते, तो मैं तब पेरेंट्स से बात करूंगा। बच्चे समय कोई इंटरेक्शन पेरेंट्स से नहीं होने वाला है। तुम यहाँ पे देखो, तुम कोई भी ट्यूशन में देखो, स्कूल वाले तब भी करते हैं पेरेंट्स से, उनको बच्चों से फर्क नहीं पड़ता तब भी वैसे, तो प्लीज़ ये चीज़ समझ लो, अब तुम अपने लिए पढ़ रहे हो। और अगर तुम्हारे दिमाग में ये गलती से भी है कि यार इलेवेंथ है फ्री ईयर है, जो कॉमर्स वालों के दिमाग में होता है, हाँ फ्री ईयर है, फ्री पास टू हेल वाला ईयर है, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर अटक गए, तुम्हें कुछ ये नहीं जमी, स्पेशली अकाउंट्स मैथमेटिक्स या कुछ टॉपिक्स, जैसे एक ये टॉपिक है, कुछ कुछ टॉपिक्स जो शायद से ट्वेल्थ में काम में ना आए, तुम्हें इशू आएगा। प्लस तुम में से नियरली हर एक बंदा या तो गुड कॉलेज फॉर बीकॉम या बीबीए के लिए एम कर रहा है अपने लाइफ में, तो ट्वेल्थ का रिजल्ट उसमें बहुत मैटर करता है, या फिर कोई कॉलेजेस जैसे आईपीएम के लिए जो मैटर जो कर रहा है, मैथ्स बहुत मैटर कर जाता है उन लोगों के लिए, इलेवन ट्वेल्थ दोनों साल का पूछा जाता है, जो सीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए अकाउंट्स इलेवन ट्वेल्थ प्लस बहुत कुछ मैथमेटिक्स और टॉपिक्स जिसमें सेट्स आ जाता है, सीक्वेंस सीरीज मुझे इतना अच्छे से पता नहीं आता ही नहीं आता है, पर कई सारे टॉपिक्स काम में आने वाले हैं। कोई एनएमआईएमएस के लिए प्रिपेयर करने का सोच रहा है कि सर मैं तो उसकी एग्जाम दूंगा, तो उसमें भी इलेवन ट्वेल्थ का मैथ्स का पोर्शन रहने ही वाला है बेटा। तो इसलिए प्लीज़ ये चीज़ समझ लो, यू आर राइट नाउ जस्ट नॉट प्रिपेयरिंग फॉर योर इलेवन स्टैंडर्ड, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर विच कॉलेज विल यू बी गेटिंग आफ्टर योर ट्वेल्थ स्टैंडर्ड, तो उस हिसाब से अपना एम रख के पढ़ाई कीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर इलेवन हो गया है, ट्वेल्थ एनी वन क्वेश्चन, ट्वेल्थ एनी वन क्वेश्चन, ट्वेल्थ एनी वन क्वेश्चन, थर्टीन एनी वन, यस देर आर टू फाइनाइट सेट्स हैव ये और ये एलिमेंट्स, ठीक है। तो मान लो एक सेट ए था बच्चा मेरा, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स मुझे दिए गए है एम है, दूसरा मेरा मे बी बी था, उसके मुझे दिए गए के है, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट इज 112 मोर देन सबसेट्स ऑफ बी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ बी इक्वल टू 112, ठीक है। इसका अंदर आ जाएगा 2 की पावर m माइनस 2 की पावर k इक्वल टू 112। ये ऐसा लो क्वेश्चन टेस्ट में पक्का देने वाला हूँ, मैं बताओ तुमको, ठीक है। अब मैंने यहाँ से 2 की पावर k को कॉमन निकाल दिया है, वो कम था क्योंकि 2 की पावर m माइनस k माइनस 1 112 था ना बच्चा लोगे, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आ रहा है, 2 की पावर 4 इंटू 7 आ रहा है इसका आंसर। तो ये हो जाएगा अपना 2 की पावर k इक्वल टू 2 की पावर 4 और 2 की पावर m माइनस k माइनस 1 इक्वल टू 7, तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है। या देख लो एक बार स्टेप 5, तो यहाँ से तो मेरे k की वैल्यू 4 आ चुकी है, तो क्या m माइनस 4 इज इक्वल टू 8, 2 की पावर m माइनस 4 इक्वल टू 2 की पावर 3, तो m की वैल्यू बेसिकली 7 आ चुकी है इससे, समझा बच्चा, कर लो एक बार। डी मॉर्गन्स लॉ है तुम लोगों को लिखा हुआ है, वहां पे लिखा हुआ है नीचे कि इस लॉ को डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। तुमको उससे आइडेंटिटीज प्रूफ नहीं करने के लिए थी, जो कोर वालों के आरडी शर्मा में भर भर के है और वहीं से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तुमको सिर्फ वो प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। जैसे देयर इज अ वे ऑफ सेइंग ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको प्रूफ करके दो, तो तू क्या करता है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी फिर करता है, तो ये प्रूफ करना हो गया है, ठीक है।
एक होता है वेरीफाई करके, तो यूजिंग ए की वैल्यू टू एंड बी की वैल्यू थ्री, तो तुमको सिंपलर वाला ए की वैल्यू टू बी की वैल्यू थ्री डाल के करो, वो वाली चीज़ है, हो जाएगा सेट। नहीं तो बोलना बेटा। हाँ बस सॉरी, एक समझ रहा। ये देख, 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 8 टाइप कुछ है, कोई आइडेंटिटी नहीं लगती, बट इसमें फिर हम लोग जो छोटा नंबर था कॉमन ले लेते हैं। कौन सा नंबर छोटा है, 2 की पावर 5 या 2 की पावर 8? 5 छोटा है, तो कॉमन लिया, मतलब यहाँ पे से ये कुछ ऐसा किया बच्चा मैंने, हाँ मतलब 1 प्लस 2 की पावर 3 हो गया ये, तो बच्चे लोग वहाँ से यहाँ पे डायरेक्टली आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब वो 2 की पावर m प्लस माइनस आना चाहते, 2 की पावर k था ऑब्वियसली, अब ये छोटा है बच्चा मेरे लिए, तो मैंने ऐसे 2 की पावर k का कॉमन निकाला, तो 2 की पावर m अपॉन 2 की पावर k माइनस 2 की पावर k अपॉन 2 की पावर k होने वाला है, जो भी है इक्वल टू, तो वो 2 की पावर m माइनस k माइनस 2 की पावर 0 या फिर 1, समझा बेटा। जेडानी वंस यू आर थ्रू लेट मी नो, कल नहीं है। वेन डायग्राम्स को हम लोग ऐसे देख रहे हैं कि हमने पहले नहीं देखा है कुछ भी, ठीक है, और यहां से आगे बेटा पहली चीज होती है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब ये होता है कि जितने चीजों से मैं कंसर्न हूं, अगर मैं बात कर रहा हूं ओनली फर्स्ट 100 क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, तो मेरा 1 से लेकर 100 तक हो गया, तो मैंने बोल दिया वो नंबर्स देखो जो 5 से डिविजिबल है, तो 5, 10, 15, 20 डॉट 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 100 तक ही देखोगे, उसके आगे भी इन अनगिनत नंबर हो गए और उससे हमें मतलब नहीं है। तो यूनिवर्सल सेट मतलब वो सेट होता है जिससे हम लोग कंसर्न होते हैं, फिर जो हम लोग ए बी सी वगैरह डिफाइन करते हैं और सेट्स, तो वो उसके अंदर से हम लोग डिफाइन करना शुरू करते हैं। तो कुछ सेट्स वगैरह पता ना क्या होता है, हाँ फाइन, ये चीज़ यूनिवर्सल सेट को यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, और एक और कहा गया ये पता नहीं क्या है, ये इससे रिप्रेजेंट किया जाता है, फाइन। अब यूनियन, अगर मान लो मेरा ए की वैल्यू कुछ 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, बी की वैल्यू कुछ तो भी 3, 6, 9, 12, 15 है, तो ए यूनियन बी का मतलब होता है हर वो एलिमेंट जो या तो यहाँ पे हो या तो यहाँ पे या दोनों में हो, ठीक है ना। तो कुछ नहीं, ये प्लस ये ज़्यादा समझ लो उस चीज़ को, तो क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15, समझा चीज। तो ये होता है यूनियन। फिर है ए इंटरसेक्शन बी, मतलब वो चीज़ें जो दोनों में कॉमन है, बस सिर्फ और सिर्फ वो जो कॉमन है दोनों में, तो कौन से हो गया, चलो 3 एंड 6। फिर एक होता है एक ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब जो ए में है वो, बट अगर बी में तो नहीं अलाउड है, मतलब यहाँ से जो जो बी में प्रेजेंट है उनको हटा दो, तो क्या क्या हो जाएगा मेरे लिए 1, 2, 4, 5। वैसे बी माइनस ए क्या हो जाएगा मेरे लिए, देखिए ये पूरे एलिमेंट्स, बट अगर उसमें से कोई भी ए में प्रेजेंट रहे हटा दो उसको, तो कौन से जाएगा वो 9, 12, 15, यहाँ तक है, ठीक है बच्चा लोग। अब एक क्या था, ए इसको क्या बोलते हैं, मैं भूल गया हूँ, सिमेट्रिक डिफरेंस बी, इसका मतलब क्या था बच्चा लोग, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है ना, यही था। तो ये दोनों के यूनियन को लिखना है, मतलब जो दोनों में कॉमन है वो हटा दो बच्चे पूरे के पूरे, तो वो क्या क्या हो जाएगा मेरे लिए, 1 कॉमन नहीं है, 2 कॉमन नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 9 नहीं है, 12 नहीं है, 15 नहीं है। समझ में आ गया ये चीज़ क्या हुई है, और कोई ऑपरेशन था जो मैं भूल रहा हूँ गलती से, पक्का से, हाँ जो कॉमन है उनको हटा दो, ठीक है ना, यानी इसकी ए के यूनिक एंड बी के यूनिक, हाँ हाँ हाँ। तू तो ये तो मैं तेरे को सिर्फ समझाने के लिए किया है, देखो डायरेक्टली सिर्फ अगर ये क्वेश्चन दिया जाए तो डायरेक्टली ये निकाल सकते, तो अमेजिंग चीज़ हो, यहाँ तक ये बढ़िया है लाइफ अपनी। अब वेन डायग्राम के फॉर्मेट में समझ लो, अगर ये मान लो मेरा यूनिवर्सल सेट है, मतलब ये मेरा डब्बा है जहाँ पे पूरे नंबर्स रखे हुए, ये मेरा ए सेट है, ये मान लो मेरा बी सेट है, ठीक है ना, ये ए ये बी ये यूनिवर्सल सेट,
तो ए यूनियन बी का मतलब क्या हो जाएगा, चलो ये पूरे के पूरे ए वाले और पूरे के पूरे बी वाले, बट ए इंटरसेक्शन बी का मतलब सिर्फ इतना होगा, ए माइनस बी का मतलब ये वाले हो जाएंगे, बी माइनस ए सिर्फ ये, और ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ठीक है। अब देखो अगर ये, मैं इससे बात नहीं कर रहा हूँ, चलो एक और ले, ये मानो सी है, मुझे बताओ ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू कितनी हो रही है, कोई भी कॉमन नहीं है, तो ये लोग क्या हो जाता है, म्यूचुअली डिसजॉइंट होना शुरू हो जाता है। एक सेकंड गाइस, सर कृति है, पार्थ है, हाँ सर, नहीं 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 आ गई वो अभी, वो उसको, हाँ ठीक है, ओके यस, समझा जाता है क्या हुआ है, श्योर बढ़ सकते हैं अभी आगे, इतना अपन लोगों ने कल देख लिया था। अब एक होता है एक कॉम्प्लीमेंट, वो ही फुद्दू सा है, ठीक है, आई थिंक वो ऐसे भी रिप्रेजेंट होता है शायद से, देखते हैं अभी अपने बुक में, मतलब क्या होता है, ये अगर मेरा ए है तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ये सब कुछ सिवाय ए के, ठीक है, मैथमेटिकली इसका मतलब होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए, फेयर इनफ है यहाँ तक है, किसी को कोई इशू इस चीज़ में जो भी हुआ है, ये ए डैश, ठीक है। अब देखो कुछ एग्जाम्पल्स अपन लोग देखते हैं, आई एम होपिंग मैंने कुछ मिस आउट नहीं किया है, म्यूचुअली डिसजॉइंट वर्ड बता दिया, डिसजॉइंट वर्ड बताया तुमको, हाँ सिमेट्रिक डिफरेंस भी हो गया है, कॉम्प्लीमेंट में ए डैश ही यूज़ हो रहा है, हाँ देखो मैं बोला ना, यस ये देखो ये तीन सिंपल्स है उसके, ये या फिर ये, आप लोग लिख लीजिए प्लीज़ इन तीनों को अपने बुक में, और जो तुमने मिस किया ना बेटा वो किसी के कॉपी में से देखना, यूनियन इंटरसेक्शन वगैरह सब कुछ चीज़ें, ठीक है ना, वो तो ऐसे वीडियो में देखेगी तो तुझे मिल जाएगा बेटा। तो लिख नहीं दिया आज कुछ भी, तो फिर सीखना, ठीक है लिख लिया गाइस, ये चीज थोड़ा फास्ट लिख लो, हाँ ये चीज देख लो, एक एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट फिर से ए ही होने वाला है, फेयर इनफ, देख ए कॉम्प्लीमेंट मतलब तेरा रेड साइन हो गया पूरा, अब उसका कॉम्प्लीमेंट करेगा तो जो रेड साइन थी उसको छोड़ के सब कुछ, मतलब ये समझा गया, देख ए कॉम्प्लीमेंट को समझा हुआ है ये रहेगा, ठीक है ए को छोड़ के, अब इसका वापस से कॉम्प्लीमेंट करूँगा तो पूरे रेड को छोड़ के जो रहेगा मतलब वो ये वाला हो जाएगा था, ठीक है। अभी एक बार कह रहे नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप, अच्छा ओके तुमको अब भी सही है, चलो अब अपन लोग ना कुछ प्रॉपर्टीज देख रहे हैं जो आपको रटी भी होनी चाहिए, जैसे कि मेजरली एक तो ये यूज बहुत ज़्यादा आती है, फिर इसकी आखिरी वाली भी, ये दो तो क्रेजी सामान यूज में होती है, ठीक है। तो पहले आप लोग सिर्फ ये एक ये लिख लीजिए फट से कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। मैं आपको मतलब भी बताऊंगा, आई वुडंट से प्रूफ पर तुमको समझा दूंगा, मैं तुमको समझ में आ जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम का नहीं हो, सिर्फ पहली बारी लिखना, पहले मैं आपको समझाता हूँ वो बच्चे, फिर अपन खुद से अपने इसमें डिराइव करने की कोशिश करेंगे। अच्छा है भाई, अभी अभी दे रही है, आगे नहीं देगी, चलो 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 कोई बात नहीं, अरे सेंटर पॉइंट मुर्दाबाद बाद में खेलेंगे अपन लोग, यहाँ जान दो प्लीज तुम लोग, हाँ रोज इन्हें पता है क्या, और सिर्फ तुम्हारी क्लास में नहीं, ये ट्वेल्थ वाले भी रोते, ये फिर वो एट्थ वाले भी रोते, वही नाइन्थ वाले भी, वो टेंथ, ऐसे नहीं सेंटर पॉइंट ही
सब स्कूल लोग हैं। अभी तुम्हारी स्कूल जो भी कर रही हो, तुमने ट्यूशन इसलिए लगाया है कि तुमको वहाँ पे नहीं समझ आया, इसलिए यहाँ पे समझे। तुम यहाँ पे क्यों आके उनका रोना गाते हो यार? अब देखो, अब अपने को अब क्या करना है, अब अपने को नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी निकालना है। मतलब बेसिकली माई टारगेट इज यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हो रहे हैं वो निकालना है। अब मान लो मैं आपको ये बोलूँ कि मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 10 है, मतलब ये इतने इसमें 10 थे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 8 है, मतलब इसमें 8 थे। तो पहला थॉट जो आता है ना बच्चों को बिना सोचे, वो ए यूनियन बी के नंबर ऑफ ये कहते हैं एलिमेंट्स बोल देते हैं क्या 18, जो गलत है। देखो क्या हो रहा है ना प्रॉब्लम, यहाँ पर 10 नंबर हुआ था, मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ठीक है, और यहाँ पे कितने 8 बोला था मैंने आपको, तो समझ लो 11, 12, 13, 14, 15 ठीक है। तुम मुझे बताओ तुमको देख के कितने नंबर दिख रहे हैं? 15 नंबर इसे दिख रहे हैं तुमको। देखो तब भी ए में 10 है, बी में 8 है, पर टोटल मिला के तो 15 ही हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये कुछ एलिमेंट्स है जो इसके लिए भी काउंट हो रहे हैं, इसके लिए भी काउंट हो रहे हैं, तो उस कारण से ये चीज़ों में अपन सिंपली ऐड नहीं कर सकते। तो बेसिकली कैसे चलता है ये चीज़ का, अब देखो मेरे इन ए के मैंने काउंट कर लिया एक बार, ठीक है ध्यान दो बच्चा लोग प्लीज़। अब मैंने इन बी के भी काउंट कर लिया, बट फिर अब मैंने क्या रियलाइज़ किया बच्चा लोग, ये जो सेक्शन जो है ये इंटरसेक्शन, इसमें मैंने 2 बार काउंट किया हुआ है, शुक्र ध्यान दे, इसको मैंने 2 बार काउंट किया हुआ है वो बीच वाले अंडे को, तो वो हटाने पड़ेगा, दोनों बार नहीं एक ही बार हटाना पड़ेगा, एक बार तो काउंट हो जाए मेरा, तो वो एक बार हटाने के लिए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी चाहिए रहेगा। एक और बार देखो क्या बोल रहा था मैं, देखो पहले एन ऑफ ए मतलब ये पूरा हो गया मेरा, ठीक है, एन ऑफ बी मतलब ये पूरा हो गया मेरे लिए, करेक्ट, पर दोनों को अगर जब ऐड करा तो बीच का जो इंटरसेक्शन वाला जो पार्ट है वो 2 बार काउंट हुआ है, तो एक बार तो हटाना पड़ेगा ना मुझे, दोनों बार हटा दूँ तो गायब ही हो जाएगा मुझे, तो मुझे एक बार हटाना पड़ेगा उसे, तो वो एक बार हटाने के लिए माइनस ये किया है मैंने, तो जब मैंने शायद से हटाया तो मे बी वो रेड वाले हट गए होंगे, फॉर एग्जांपल मान लो अभी के लिए, ठीक है। तब देखो ये हो गया पूरे तरीके से ए यूनियन बी, तो ये हो गई बच्चा लोग मेरी पहली प्रॉपर्टी, फेयर इनफ है। अपन लोग और अलग अलग निकालने की कोशिश करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी, ठीक है, मतलब मुझे सिर्फ और सिर्फ ये इतना चाहिए है, तो मैं क्या करूँगा, कुछ चीज़ें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ये कर सकता हूँ मैं। देखो कैसे सर, ये पूरा का पूरा माइनस ये हटा दो सर, ठीक है, वैसे ही अगर मान लो आप मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी पूछ रहे हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए पूछ रहे हो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, फेयर इनफ है। आप मुझसे पूछो नहीं सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, तो सर देखो पहले तो मेरे को ये वाले ब्लॉक वाले गिनने पड़ेंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, फिर मुझे यहाँ वाले गिनने पड़ेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, तो बेसिकली क्या हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, वो 2 बार था, तुम या तो ये कर लो या फिर देखो ये ऐसे ही रहने दिया, तुमको नहीं लग रहा है ये चीज़ की वाली कितनी हो गई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी को 2 टाइम्स करना पड़ेगा मुझे बस, एक समझो कुछ गलती की हुई है, हाँ ये 1 टाइम ही होगा, ए यूनियन बी था तो वो जो था वो भी हटा दो, समझा ये चीज़ क्या हुई है। तो अब देखो वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग ना, एक मेरे को ये पहला वाला जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी वो रटा हुआ है, बच्चे में मैं रटता नहीं हूँ, वो मैं तब की तब डिराइव बोलो या तब के लॉजिकली मैं कर लेता हूँ, ठीक है। एक और है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, ये भी बहुत ईजी है, ध्यान दो तुम लोग अभी, ठीक है, ये मतलब ए बी सी,
तो मैं बस फॉर्मूला तुमको लिख के दे रहा हूँ। देखो अगर मैंने सिंपल किया एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, तो इससे क्या हुआ, देखो ये हो गया ए, ये हो गया बी एंड ये हो गया मे बी सी, ठीक है। अब जो मेरे डबल काउंट हुए हैं वो हटाना पड़ेगा, तो देखो ये बीच वाला जो अंडा था ये डबल काउंट हुआ था, तो माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो मान लो अभी के लिए वो ब्लू वाली लाइनें हट गई मेरी, ठीक है ना। अब ये जो अंडा है मेरा ये हटाना पड़ेगा, डबल काउंट हुआ था तो बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब उसके बाद में एक और हटाना पड़ेगा मुझे, ए इंटरसेक्शन सी, जब वो ए इंटरसेक्शन सी हटा रहा हूँ मैं, ये देखो ये ब्लू वाला भी हट गया, रेड वाला भी हटा दिया मैंने। अब देखो जब ये सब कुछ किया तो ये जो बीच वाला था जहाँ पे तीनों की तीनों का था कॉमन, वो तो पूरा ही हट गया, तब उसको आपस में इंट्रोड्यूस करना पड़ गया मुझे, तो प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं था तो वापस इसको ऐड करना पड़ गया। ये वाला फॉर्मूला भी रट के ही चलो, संदर्भ को ऐसी सेवा है, ये वाला भी लिख लो एक बार फट से, दो फॉर्मूला तुमको ये रटे हुए होने चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी वाला और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाला, और मेजरली वो यहीं से क्वेश्चन पूछता है, चार का नहीं पूछता बच्चा। दिखाता हूँ मैं, वेरीफाई वाला जैसा रहेगा या फिर फाइंड वाला रहेगा, यस जी हाँ, एक छोड़कर जो सबको दिया हुआ रहेगा सबको, तो कुछ वैसा निकालना रहेगा। हाँ बेटा, यानी एटलीस्ट बची हुई सब स्कूलों में एम एल अग्रवाल से ही पढ़ा रहा है अभी तक के, बी वी एम में नई खुजली आई अगर तो आई हैव लेस आइडिया, विच आई एम होपिंग एक और नई बुक लेके आनी चाहिए उन्होंने, कि रे अरे तू भले आर डी शर्मा से पढ़ ले, बची सब बुक्स में भी नियरली वो ही रहता है, तो तेरे को फ़ायदा यह होगा कि तेरे को स्कूल के कंटेंट और अच्छे मिलना, यानी अलग मिलना शुरू हो जाएंगे, वो अच्छा हो जाएगा। बड़े बच्चा लोग आगे, ठीक है ना, अपना हो जाएगा तब तक है। तुम्हारा लास्ट पेपर है क्या मैथ्स? सितंबर में फिर तो। चलिए अभी एक बार के लिए यहां पर देख लीजिए, ये देखो ये ना अपन ने ये वाला फॉर्मूला याद किया हुआ है, उसने ये वाला बताया आपके ऊपर है, देखो a माइनस बी का हो रहा है a यूनियन b माइनस ये कर देंगे हम लोग, इसको हटा देंगे ना, a यूनियन b पूरा हुआ फिर ये वाले पार्ट को हटा देंगे अपन लोग, अच्छा ये इसको पूरे को हटा देंगे तो हमारा ये आ जाएगा। वो तुम्हारे को जैसा दिया हुआ रहेगा ना तुम वेन डायग्राम बना के खुद से लॉजिकली समझ पाओगे, अपन वैसे कोशिश वही रखने वाले भी, फेयर इनफ है यहाँ तक है। नेक्स्ट एक और चीज़ बता रहा हूँ जो यहाँ पे नहीं दी हुई है तुम लोगों को, चलो ये दिया हुआ है, एक ये भी देख लो, मेरे को नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए है, कोई बड़ा सीन नहीं है इस चीज़ का, क्या सर यूनिवर्सल सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस ए के, ये बट ऑब्वियसली ये तभी वर्क करेगा अगर ये फाइनाइट सेट हो, तो इनफाइनाइट सेट रहा तो आप वर्क नहीं कर पाओगे इस चीज़ के ऊपर। अगर मान लो म्यूचुअली डिसजॉइंट है, याद है म्यूचुअली डिसजॉइंट वर्ड, हाँ कि सर कुछ एक ऐसा है और एक ऐसा है, और अब मैं पूछ रहा हूँ एन ऑफ ए यूनियन बी, तुम तो अपना फॉर्मूला लगा दिए सर, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बट ये चीज़ तुम्हारी जीरो बन जाएगी, तो बेसिकली हो जाएगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। तुमको ये पूछ सकता है कब ये चीज़ इससे इक्वल हो रही है, अगर दे देगा ये चीज़ से इक्वल है तो ए और बी कैसे सेट्स है, तो म्यूचुअली डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट सेट्स है, मतलब उनके बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट था ही नहीं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख रहे हैं बेटा,
पहला आपको क्या बोला गया है, ये ए मेरा कोई भी एक प्राइम कहते लेस देन 10 नंबर है, प्राइम नंबर है पूरे ग्रह। तो देखो 2, 3, 5, 7 ठीक है ना। बी क्या है, नेचुरल नंबर जो इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है ठीक है। अरे बाप रे तुमको ये चीज़ अभी इनइक्वालिटीज, चलो ठीक है मैं समझा लेता हूँ। ये 0 x-2 ≤ 6 मैंने तीनों इसमें 2, 2, 2 ऐड कर दिया ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 2x8 समझा जी से हो ये, जिससे बस मेरा ये x बन जाए, 0 मत बोलो। अब मेरे नेचुरल नंबर से अलाउड थे इसमें तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 फेयर इनफ है यहाँ तक है मुझे। यू अच्छा इसमें यूनिवर्सल सिटी जरूरत नहीं पड़ती मुझे। अब देखो मुझे उसने क्या मांगा है, पहले ये वेरीफाई करके दो। तो पहले देखो मेरा LHS क्या है उसका, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। तो मुझे पहले ए यूनियन बी निकालना पड़ जाएगा। तो ए यूनियन बी कितना हो रहा है बच्चों लोग मेरे लिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 करेक्ट। तब उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितना हो जाएगा मेरे लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है बच्चे लोग मेरे लिए, 1, 2, 3, 4, 4 इसकी RHS में वैल्यू क्या रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इन दोनों में कॉमन कौन से एलिमेंट्स है बच्चा लोग, 3, 5 और 7 देखो 4 + 6 - 3 कितना हो रहा है, 7 ही हो रहा है। LHS भी 7, RHS भी 7 खत्म। तो देखो ये क्वेश्चन ऐसा रहा ना, तो क्या करना कभी पहले तुम लोग A सेट निकाल दिए, B सेट निकाल दिए, A यूनियन B सेट निकाल दिए, A इंटरसेक्शन B सेट निकाल दिए, हमारा कितना हो रहा है वो 3, 5, 7 सबका अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल दो। तो n ऑफ a कितना आ रहा है मेरा 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b कितना आ रहा है मेरा 1, 2, 3, 4, 5, 6 n ऑफ a यूनियन b कितना आ रहा है मेरा 7 आ रहा था बोल रहा हूँ, n ऑफ a इंटरसेक्शन b कितना आ रहा है मेरा 3 ना बस। अब देखो ये तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। अब मेरे को a माइनस b की जरूरत पड़ रही है ठीक है। तब a माइनस बी का सेट कितना बन रहा है देख लो आप लोग, 2 बस 2 ही बन रहा है भाई और कुछ बन ही नहीं रहा है। मैं तो बता जानते बेटा b माइनस ए का सेट क्या बन रहा है बच्चा लोग मेरा, 3 भी नहीं 4 रहेगा और 8 रहेगा खत्म। 6 भी रहेगा। अब देख लो n ऑफ a माइनस बी कितना हो रहा है मेरे लिए 2, n ऑफ b माइनस ए कितना हो रहा है मेरे लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स और ये हो जाएगा 3 फेयर इनफ यहाँ तक है। ये वेरीफाई पूरा कर सकता हूँ, ये पूरा वेरीफाई कर सकता हूँ, ये पूरा वेरीफाई कर सकता हूँ समझा। आपको ये सब चीज़ें वेरीफाई करने के लिए एग्जाम में नहीं पूछता है, कोई भी एक आधा या दो पूछ लेगा। बट आप लोग ये जो जो चीज़ें तुमको दिख रही है, अगर तुमको दिख रहा है कि ए यूनियन बी पूछा है तो उसका सेट निकाल लो, ए इंटरसेक्शन बी की जरूरत पड़ रही है उसका सेट निकाल लो, सबके एलिमेंट्स काउंट कर लो, ए माइनस बी की जरूरत पड़ रही है तो उसका सेट निकाल के काउंट कर लो। फर्स्ट एग्जांपल सिंपल है, सेकंड एग्जांपल देखिए अभी, ये भी एग्जैक्टली वही चीज़ है। पर देखो अपने को क्या क्या सेट लगने वाले एक बार वो देख लेते हैं अपन लोग। सर मुझे एल सेट लगने वाला है, अच्छा नहीं 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 अच्छा ये तो अपने को नंबर ऑफ वो चाहिए नहीं एलिमेंट्स, इसमें सेट्स डायरेक्टली लग रहा है मेरे ठीक है। तो पहले देखो मेरे को एल सेट पता है, मैं m यूनियन n सेट की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो क्या आ रहा है बेटा 3, 4, 5, 6, 1 बस ठीक है। मेरा l माइनस m सेट मुझे लग रहा है, तो ये माइनस ये यानी 1 तो है मेरा, 2 भी है मेरा, बस 1, 2 ही दिख रहा है मुझे ठीक है ना l माइनस m में। और l माइनस n सेट कितना हो रहा है बच्चों लोग मेरे लिए 2 और 4 बेटा। यहाँ पे सेंटर पॉइंट को कोई भी बच्चा जो स्कूल में ध्यान देता है हाथ उठाओ। तुमको ये सब प्रॉपर्टीज़ बाय एनी चांस वेन डायग्राम से वेरीफाई करने के लिए आई है अभी तक है नहीं ना? हाँ वो कोर में थी क्योंकि तुम्हारे यहाँ पे भी क्वेश्चन भी नहीं दिखा है, तो चलो बढ़िया है। अब देखो अब कुछ नहीं, मेरा LHS क्या है, L माइनस M यूनियन N ठीक है। तब L सेट क्या है बच्चा लोग मेरा 1, 2, 3, 4 माइनस M यूनियन N कितना है मेरा 3, 4, 5, 6, 1 तो मेरा LHS क्या जाएगा, 1 तो बचा नहीं, 2 बच गया है मेरा, 3 और 4 भी नहीं बचा, तो मेरा LHS सिर्फ और सिर्फ 2 हो गया है। RHS क्या है मेरा, L माइनस M का इंटरसेक्शन विथ L माइनस N का। तो L माइनस M की वैल्यू कितनी हो रही है मेरी 1, 2,
इंटरसेक्शन 2 4, वो आ रहा है वापस से 2, हो गया वेरीफाई। सूरजन और पार्थ ध्यान दो, देख एक सेकंड, क्या तुझे ये समझा था मैंने क्या क्या निकाला? एल तो मुझे दिया हुआ था, इसकी वैल्यू निकाल दी, इसकी वैल्यू निकाल दी, इसकी वैल्यू निकाल दी मैंने। मैंने एल एच एस उठाया, एल की जगह एल डाला, एम इंटरसेक्शन एम यूनियन एन की जगह वो डाला। अब ये इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये आंसर आया। वैसे आर एच एस में भी किया सब्ट्रैक्ट का मतलब याद है क्या होता था? जो जो तेरे इसमें हो बट इसमें नहीं हो, समझा? यानी यूनिक फॉर एल। तो देख क्या क्या था, ये तो कॉमन वाला, तो ये हट गया, 3 भी कॉमन था, 4 भी कॉमन था, सिर्फ 2 आ गया था मेरा। वैसे मैंने नीचे आर एच एस में किया। गाइस एग्जांपल नंबर 3 देखिए अभी। गाइस प्लीज, टेकिंग नेचुरल नंबर्स एज यूनिवर्सल सेट बोल रहा है वो, ठीक है। आपको पहले उसने क्या बोला है, राइट द कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ दीज। चलो ये वाला एग्जाम्पल नंबर 3 एक बार रुक जाओ, अच्छा हो जाएगा, छोड़ो। अगर मान लो नेचुरल नंबर में ए प्राइम नंबर्स है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? नॉट प्राइम नंबर विच इज कंपोजिट नंबर, गलत, वन भी आएगा। सूरजन बेबी ध्यान दे, क्या दे रहा है? इसलिए फुल पैंट पहना कर मच्छर भी नहीं काटेंगे बेटा, देखो तो वही बोल रहे हैं, ऐसे पूरे कपड़े पहन के आया कर। देखो अगर ए प्राइम नंबर है तो उसका कॉम्प्लीमेंट सेट, नॉट अ प्राइम नंबर लिख लो ठीक है, बट अच्छा तरीका उसका ये है कंपोजिट नंबर एंड वन। तो देखो अगर ए डैश लिखना है तो देखो एक्स सच दैट एक्स इज कंपोजिट यूनियन वन या और वन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू वन या फिर एक्स इज कंपोजिट नंबर। वैसे बी वाला देखो, नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाई 3 और 5, कोई नंबर 3 और 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब बेसिकली कैसे डिविजिबल है? 15। तो मेरे लिए बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर नॉट डिविजिबल बाय 15। सी क्या है, एक्स, ये देखो वैसे अपना एक्स नेचुरल नंबर चलने वाला है, पहले तरह तो यहाँ से देखो वैसे एक्स की वैल्यू आ कितनी रही है मेरी, 2 आ रही है। तो अब मैं सी कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा, ऑल नेचुरल नंबर्स एक्सेप्ट 2, तो जिसको मैं लिख दूंगा एक्स सच दैट एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 2, ठीक है। वैसे इसको एक और तरीका बता रहा हूँ लिखने का, सी इज यूनिवर्सल सेट, जो मेरा यूनिवर्सल सेट था नेचुरल नंबर्स का, माइनस 2, ठीक है ना, समझा ये चीज़ क्या हुआ है? बट ये सेट बिल्डर फॉर्मेट नहीं हो रहा है, ये रोस्टर फॉर्मेट हो जा रहा है मेरे लिए। नेक्स्ट है एक्स, जिसमें ये इससे बड़ा है। वैसे एक बहुत अच्छा तरीका था इसका, 2x+1 अगर 10 से बड़ा है, अपने उसे कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो लेस दैन इक्वल टू 10 कर देना। एक तो ये है, इन लोगों ने कैसा किया हुआ है बता देता हूँ। इन लोगों ने यहाँ से पहले निकाला तो 2x विल बी ग्रेटर दैन 9, मतलब x विल बी ग्रेटर दैन 9/2, मतलब x विल बी ग्रेटर दैन 4.5। तो अपने को हर एक नंबर नेचुरल नंबर जो 4.5 से छोटा हो वो चाहिए रहेगा, तो उन्हें 1 2 3 4 ऐसा लिख दिया है। समझा आप लोगों का क्या हुआ है, जो पहले तरीके से बताया था मैंने, तेरे को तेरी एज 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इसका 10 से ज़्यादा है, सर 10 से ज़्यादा है तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब साइन पलट दो और वो इक्वल टू लगाना मत भूलना बस। तो देख इसका कॉम्प्लीमेंट तेरा ये बन जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट तेरा ये बनेगा, ध्यान रखना ठीक है ना, जो चीज़ें इसमें नहीं है वो इसमें होनी चाहिए, फेयर इनफ। ये बच्चा लोग आप लोगों का एग्जाम्पल नंबर, हाँ इनका आया था एक्स इज ग्रेटर देन 4.5, तो एक ही वैल्यू है ना, तो कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे थे बच्चा अपन लोग, क्वेश्चन में था कॉम्प्लीमेंट निकालो, ठीक है। वहाँ पे 2x+1 इज ग्रेटर देन 10 दिया हुआ बच्चा, क्या बच्चा मेरे को नहीं समझा तू क्या पूछा था, हाँ तो इक्वल टू भी आएगा, वो इंक्लूडेड भी रहेगा, वैसे यहाँ पे नहीं भी डालता तू क्योंकि वो बच रहा था तू, एक्चुअली प्रॉब्लम ये था ना कि 4.5 से आया था तो तू 4.5 वैसे इंक्लूड कर ही नहीं सकता था क्योंकि तेरा नेचुरल नंबर नहीं है वो चीज़ का। घर की खेती है वाले इसमें बोल रहा है या तू प्लस वन था वहाँ पे माइनस वन कर ले इसके लिए बोल रहा है? मेरे को कोई आइडिया नहीं है तुम लोग क्या बोल रहे हो, मैं एक बार के लिए क्वेश्चन बता रहा हूँ,
अगर मुझे ये दिया हुआ रहता, मुझे था कॉम्प्लीमेंट सेट निकालना है, 10 और उससे छोटे सारे, ठीक है ये होता था। अब तू बोल तू क्या होता, मुझे नहीं समझ आता। तेरा क्वेश्चन फिर तेरा ये बन गया होता, तेरा ये बोलना है, नहीं सही 10 11 बन जाता तेरा। तेरा अगर मान ले ये दिया हुआ है, तो क्वेश्चन ही चेंज करके ये लिख रहा है खुद के लिए, तो यस इट इज मेकिंग सेंस, बट वो कर मत। और वैसे भी यहाँ पे इनइक्वालिटी उसने इक्वेशन फॉर्मेट में दिया हुआ है, ठीक है गाइज। आगे के वैसे सिंपल है, मैं तुमको कुछ छोटे मोटे, चलो एक ही एग्जांपल है, दो है ठीक है, मैं तुमको कुछ छोटे मोटे जो बेसिक वाले क्वेश्चन है मैं तुमको मार्क करके दे रहा हूँ, वो ट्राई करना, आपके टेस्ट में सिंपल वाले ही पूछे जाएंगे, ठीक है ना। आई वुड से ट्राई अप एग्जाम्पल 4 and 5 ऑल्सो, ठीक है खुद से। इसके बाद एक्सरसाइज आप लोग क्वेश्चन 1 2 3 5 7 9 बस ठीक है बस उसी पैटर्न में से पूछूंगा। चलो वो बहुत सिंपल वाले पूछूंगा मैं, आपको क्रेजी इसमें नहीं लेके जाऊंगा। एंड स्पेशली जैसे ये वाले जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाले जो अपने होने के, ऐसे ये यहाँ पे आए नहीं है वो, तो मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाले क्वेश्चन अभी तक आए नहीं है प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन में, इसके बाद वाले इसमें जिसकी फोटो इसमें है नहीं, ठीक है। अपन लोग जितने तुमको मार्क करवाए ना होमवर्क में उसी पैटर्न के इसमें मैं अपने आपको रिस्ट्रिक्ट करूँगा, फाइन। एक बार कृति ग्रुप पे होमवर्क डाल दे बेटा, ठीक है ना। एग्जाम्पल 4 and 5 और ये क्वेश्चन 1 2 3 5 7 9, ठीक है। चलिए वी आर मीटिंग ऑन मंडे बट ऑन संडे विल बी हैविंग अ टेस्ट, सुन लो प्लीज़। आप लोगों से सिंसियर रिक्वेस्ट है टेस्ट दे देना। जो लोग ऑनलाइन दे रहे हैं जिनका दूसरा क्लास होता है वो लोगों से मेरा एक्सपेक्टेशन आप लोग कॉपी नहीं कर रहे होगे, ठीक है ना। चलिए बाय गाइस। हाँ बच्चा, AP जितना पढ़ा हुआ है वो, और ये जितना किया हुआ है वो, ठीक है ना।